回事，也是那回事，也是那回事，我说真的。Mata tudo, dois meia. Olha, fala um caro pra cá, bora, velho. तो कैसे हो रहे भाई लोग, अगर बढ़िया हो तो आपका भाई आ चुका है PUBG मोबाइल की एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। हाँ जी हाँ, ब्रांड न्यू वीडियो लेके, जिसमें आपका भाई फुल बकचोदी पहनने वाला है, जो हमेशा पहनता रहता है, बट आज तुम्हारा भाई थोड़ा सा खुश है, उसकी वजह मैं बाद में बताऊँगा। तो अभी हम खेल रहे हैं 3 man vs 4 man स्क्वाड, तो ज़्यादा देर नहीं लगते, आपको ज़्यादा रुकाते नहीं है, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, अभी इस गेम प्ले में हम जा रहे हैं जॉर्जियो पुल। ना 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 ना, जॉर्जियो पुल कंटेनर्स नहीं भाई साहब, जॉर्जियो पुल सिटी, क्योंकि पिछले 5-6 गेम में मेरी जो फाड़ के 4 करी है जॉर्जियो पुल कंटेनर्स में, वो अभी तक मैं भूल नहीं सका, मतलब मेरे को सदमा सा लग चुका है। तो मैं अपनी छोटी सी GAND बचाकर जॉर्जियो पुल सिटी में आ गया कि भाई साहब हमको नहीं मरना रहे, मतलब उतरते ही हमारा क्रेड बना दे रहे हो। तो अभी जब मैं उतरा, उतरते ही लूटने लगा, तो मुझे मिल गई M416, जो कि अच्छी गन है, उसका डैमेज भी अच्छा खासा है, बट वो ऐटो गन नहीं है, 3-3 गोली चलती है उसकी, इसलिए थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, बट कोई बात नहीं, टैप टैप पर भी अच्छी चलती है लॉन्ग रेंज में वो। तो अभी जैसे मुझे 2 गन मिल गए, हेलमेट वेस्ट मिल गया, मैं सीधा का सीधा घुस गया बंदों पर। तो अभी मुझे लगा कि बंदे अपार्टमेंट में, लेकिन ऐसा नहीं था, 2 बंदे उनके जो थे वो अपार्टमेंट में थे और एक बंदा यहाँ पर था उनका। मतलब मजाक से हटकर भाई साहब, आपकी स्क्वाड को अगर छोड़ के आ रहे हो तो ध्यान रखना, आपकी क्रेड कभी भी बन सकती है, तो कभी भी आपकी स्क्वाड के साथ खेलो और अपनी मरवाने से बचा लो, मतलब क्रेड बनवाने से बचा लो भाई साहब, गलत मत सोचो रे लोंडो। तो अभी ये बंदा नौक खुच चुका है और इसको पूछ रहा हूँ, भाई साहब तेरे बंदे कहाँ हैं? तो भाई साहब ये ऑल पे गाली दे देता है मेरे को, तो मैंने बोला चल तेरे को मैंने आज़ाद कर दिया। तो अभी इसको मारने के बाद मैं सीधा राइट से फ्लैंक मार के इधर आ चुका हूँ, क्योंकि बंदों को ऐसा लग रहा है कि जो बंदे है वो अपार्टमेंट साइड में, बट ऐसा नहीं था, हम सीधा यहाँ आकर बैठ गए, मतलब उन बंदों का काटने के लिए बैठ गए यहाँ पर, और बैठे बैठे हम TPP का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो अभी वो बंदे अपने मज़े में नाच गा रहे हैं, 1-2 बॉट को मारकर अपनी KD बढ़ाने की खुशी बना रहे हैं। तो अभी जब ये बंदा यहाँ से गुजर रहा था, तब हमने उसको रास्ते में नॉक कर दिया कि बेटा जी कहाँ जा रहे हो, लड्डू तो खाते जाओ। तो अभी इसको नॉक करने के बाद मैंने ऊपर देखा ना, नीचे पीछे देखा ना, आगे सीधा का सीधा घुस गया मैं अंदर। अरे भाई साहब, अगर वो बंदा गलती से भी रिवाइव हो जाता और मेरे को किल नहीं मिलता, तो मैं मजाक से हट के स्कूल वाले अपार्टमेंट से कूद कर जान दे देता भाई, जीना ही नहीं मेरे को, एक तो किल नहीं मिल रहे, मतलब इस गेम में मेरे जो किल चोरी हुए है भाई साहब, फाइट लेने जाता हूँ नॉक, खाना खाने जाता हूँ नॉक, घूमने जाता हूँ नॉक, भाई साहब करूँ तो क्या करूँ, मतलब मेरे को जीना ही नहीं दिया रे इस गेम में, मतलब कहाँ भी जा रहा हूँ तो बंदे पकड़ रहे, आप बेटा कहाँ जा रहा है तू, तेरे को तो पीटेंगे हमारे, भाई साहब मैं ही क्यों, मेरा टीममेट भी है, उनको भी मारो, उनको भी पीटो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, तुझी शक्ल है हमारी, तुझी जाने। तो गाइज मैं आपको ये बताने वाला था कि जल्द ही मेरे, मतलब हम सब के 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, मतलब मजाक से हटके हम बातों बातों में कब 100 सब्सक्राइबर्स के पास पहुँच गए मेरे को पता ही नहीं चला। तो प्लीज़ यार, अगर आपने अब तक वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं की, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्त को बोलो कि भाई साहब
मेरा दोस्त है जो YouTube पर वीडियो बनाता है, बहुत ही अच्छे वीडियो बनाता है। वो बहुत अलग है कि एक गेम में चार बार नॉक होता है, और अगर जिस गेम में गलती से भी चिकन डिनर हो गया तो भाई साहब उस गेम में वो फाड़ के चार कर देता है सामने वाले की। ऐसा अगर आप अपने दोस्त को बता दोगे तो भाई साहब वो ज़रूर आएगा चैनल पे और सब्सक्राइब ठोक कर जाएगा मजाक से हट के। तो भाई साहब, तो अभी मैं आ चुका हूँ जॉर्ज बुल कंटेनर्स में और यहाँ पर दो स्क्वाड्स आपस में लड़ रही है, तो तुम्हारा भाई इसी मौके का फ़ायदा उठा लेता है और इस बंदे की फाड़ देता है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरी फाड़ देता है। तो अभी मैंने टीममेट्स को बोला कि घुसो रहे एक नौके, तो मेरे टीममेट्स बोले हाँ घुसते हैं। तो भाई साहब मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल थी इनको घुसने के लिए बोलना, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पर नीचे उतरता हूँ कि भाई साहब मरे जाने से पहले कहीं ना मेरा किल चोरी हो जाए, क्योंकि हमारे टीममेट बहुत ही हरामी कर रहा है, मजाक से हट के भाई साहब बहुत ही हरामी है। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो भाई साहब बहुत हरामी हो रहा है, तुम लोग किल ही नहीं लेने देते। तो मैं जब तक नीचे उतरता भाई साहब इन नुबड़े बंदरों ने स्क्वाड ही साफ कर, मतलब क्या बिगाड़ा है भाई साहब, एक तो किल नहीं मिलते ऊपर से नॉक हुए जा रहा हूँ मैं, मतलब कोई किल दे दो रे मेरे जैसे गरीब को भाई साहब, अभी रो दूंगा मेरे को किल नहीं मिले तो क्या बताओ अभी। तो अभी ये वाला स्क्वाड जो है जॉर्ज पुल वाला, वो पूरा का पूरा साफ, मतलब बातों बातों में ही साफ हो गया। तो अभी हम जब मजे से गाड़ी में घूम रहे थे, बग्गी का मजा ले रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, तब हम स्क्वाड हाउस पे आ गए बड़ी बड़ी गाड़ी लेने। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा स्क्वाड था। तो अभी आप देखो फाइट, मजाक से हटके भाई साहब इस बंदे को मारने के लिए मैंने पूरी M249 की जो 100 गोली होती है ये इसके छाती में घुसर दे कि कैसे नहीं मर गया, तो तेरे को गोली मार कर तेरी छाती से मार कर तेरी पीठ से बाहर निकालूंगा, कैसे नहीं मरेगा। तो यहाँ पर हम गाड़ी पकड़ कर आ गए ड्रॉप पर, ड्रॉप पर अलग ही भसड़ मची थी, तुम्हारे भाई ने सीधे बंदों के ऊपर से ही गाड़ी चला दी, ले गाड़ी चलाएंगे हम। तो यहाँ पर मैंने जो एनिमी ने नॉक किए थे बंदे उनके किल चुरा लिए थे, वो कतई गुस्से से लाल। तो यहाँ पर ये बंदा मेरे फाड़ के चार कर देता है, बट हमारे टीममेट्स एकदम तगड़ा वाला कवर दे के मेरे को बचा लेता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से टीममेट्स को बोलता हूँ कि स्मोक वगैरह करो, क्योंकि अगर ये मैच हमको चाहिए तो जल्दी से स्मोक करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारे भाई का कॉन्टेंट ही ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने मेरा कॉन्टेंट बचाने के लिए स्मोक कर दिया और हमने यहाँ पर हील करा, और सामने वाले जो बंदे हैं वो थे विदाउट कवर, मतलब उन्हें नहीं पता था कि वो अगर लेट रहे हैं तो 150 मीटर के आगे घास रेंडर नहीं होते। मजाक से हटके उनको कोई जाकर बताओ उन नमूने बंदरों को कि भाई साहब 150 मीटर के आगे घास रेंडर नहीं होती, तुम्हारा सर पाव सब कुछ मतलब छोटी सी छोटी चीज़ आपकी दिख जाती है 150 मीटर के आगे, भले ही आप चार पांच झाड़ों के आसपास लेट जाओ दिख जाती है भाई साहब। तो यहाँ पर ये स्क्वाड तो पूरी के पूरी साफ, मतलब अभी बच्चे पूरे के पूरे 8 बंदे। तो तुम्हारा भाई पूरे स्वैग में हीलिंग मार रहा है ओपन में कि उसको कोई डर नहीं है, वही एक मसीहा है पूरे इरा एंगल मैप में।
तो अभी मैं हील वगैरह करता हूँ और सीधा की सीधा चल पड़ता हूँ इस वाले कंपाउंड में। तो यहाँ पर होते हैं बंद, अभी बहुत ही मैं चपर चपर कर रहा हूँ, तो आप देख लो अभी ये। तो एक सच बात बताओ हिस्सा, अभी जो बंदा कूदा ना मेरे सामने, उसको देखकर मेरे मन में क्या ख्याल आया? ये ख्याल आया कि भाई साहब तू आके मेरे गोदी में बच जा, मतलब तेरे घर पे जो तकिया वकिया बोरिया बिस्तर है वो लेकर आकर मेरे गोदे में बैठ जा। भाई साहब पबजी खेल रहा है कि मारियो खेल रहा है तू? मतलब यहाँ से वहाँ नमूने बंदर की तरह कूद रहा है तू, मतलब मेरे सामने आके कूद गया। तो अभी ये जो बंदा है जो पहाड़ से हमारे ऊपर गोली चला रहा है, मजाक से हटके इस बंदे को कोई भी डर नहीं, मतलब इसको भय ही नहीं भाई साहब कि हम पहले तो जोन के बाहर है, ये जो भी बंदा है वो जोन के बाहर है और फिर भी मर ऊपर गोली चला रहा है, मतलब इसको डर नहीं है कि ये हमको जोन में आने नहीं देंगे, हम जोन के बाहर है, पहले जोन में जाए उसके बाद फाइट ले, नहीं नहीं इसको मारनी है गोली, तो मार तू मार हम भी मारेंगे, ऐसा फेंक के मारेंगे यहाँ से तेरे मुंह पे आलू की तेरी फटके चार हो जाएंगी। तो अभी इस बंदे को हम आराम से पिलते हैं, ये जोन में आने की कोशिश करता है, हमारे जो स्वप्निल भैया है वो इसको डैमेज दे देते हैं, बट हमारी एक गोली उसको लग जाती है और वो ही फेंक। तो यहाँ पर स्वप्निल भैया का किला हमने चुरा लिया यहाँ पे। तो हम गाड़ी में बैठता है तो हमको ये तो पता होता है कि ओपन में सर्कल है, बिल्कुल भी कोई कवर नहीं है, तो पूरे सांप जो है वो लेटे होंगे। तो हम सीधा गाड़ी घुमाते हैं क्योंकि सांपों के नगरी में विदाउट गाड़ी जाना मतलब दसवें मंजिल से कूदना मतलब सुसाइड होता है भाई साहब, मजाक से हटके। तो यहाँ पर ये एक जो बंदा नोक था इसका भी किल चुरा लिया तुम्हारे भाई ने, और मैं आराम से गाड़ी घुमा रहा हूँ और बंदों के ऊपर चढ़ा रहा हूँ, हमारे बंदे नॉक करे जा रहे। तो अभी आखिरी बचा है बंदा, उसको तो हमारे स्वप्निल भैया पेल देते। तो गाइज इसी के साथ हमारा हो चुका है विनर विनर, क्यूट सा प्यारा सा चिकन डिनर। तो भाई साहब तुम्हारे भाई के जल्दी होने वाले 100 सब्सक्राइबर्स, मतलब अगर आपके जो फ्रेंड्स है क्लासमेट्स है जो पहली के दूसरी के नर्सरी के जी के दसवीं के कॉलेज के बुढ़ापे के सबके जो फ्रेंड्स है उसके साथ प्लीज़ वीडियो शेयर करो, इससे आपके भाई के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। आज 15 मिनट की वीडियो हो गई क्या भाई? तो दोस्त आज इसी खुशी में पैसे पैसे परसों दिवाली को आ गई।